महाकार्तिक मास को धर्म मास कहा जाए। धर्मस्य प्रभुर अच्युत, धर्मर प्रभु होंगे अच्युत श्री जगन्नाथ महाप्रभु। श्री जगन्नाथ महाप्रभु होंगे साक्षात धर्म, तेणु साक्षात धर्म स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु को कार्तिक मास रे दर्शन कले अनंत पुण्य अनंत धर्म अर्जित होइथाय बोली विश्वास रहिछि। सेथिपाई अन्य मास अपेक्षा कार्तिक मास रे श्री मंदिर रे भक्त मानंकर प्रबल भीड़ परिलक्षित होइथाय। से धर्मर प्रभु होचंदि साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई श्रीक्षेत्र को बहु श्रद्धालु आसी थांति। यही समय रे महाप्रभु सेथिपाई बहुविध बेशरे विभूषित होइथाय। कार्तिक आश्विन मास शुक्लपक्ष एकादशी तिथि रु कार्तिक मास शुक्लपक्ष दशमी तिथि पर्यंत दीर्घ दिन धरी प्रतिदिन महाप्रभु राधा दामोदर बेशरे विभूषित होंती। पंचुक पांच दिन रे मध्य पांच प्रकार बेश होंती, लक्ष्मी नारायण बेश, बाकचूड़ा बेश, त्रिविक्रम बेश, लक्ष्मी नृसिंह बेश, राज राजेश्वर बेश, यही भाव में पांच प्रकार बेशर मध्य विभूषित होंती। आउ गोटे बेश तांकर अनुष्ठित हुए जेते बेले अमावास्या तिथि कार्तिक अमावास्या बा दीपावली अमावास्या परवर्ती एवं दशमी पर्यंत जेतिक दिन रहिला ता भीतर जो सोमवार पड़े से सोमवार दिन बड़ ठाकुर हरिहर बेशरे विभूषित हो भक्त मानक दर्शन दे था। यही बेशटी बड़ बड़ बाड़े अनुष्ठित होइथाय। सी होचंति साक्षात हरिहर श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री बलभद्र भगवान देवी सुभद्रा श्री सुदर्शन एम होंगे एक दारु समुद्रपन्न चतुर्धा सम्भविष्य। गोटे दारु भासी आसी जो दारु के चारि भाग में विभक्त होती, तेणु यही दारु ब्रह्म सी होंगे साक्षात हरिहरात्मक। जो हरि ही स हर साक्षात हरि, जे हरि से हर। शिव से हृदय विष्णु, विष्णुस्य हृदय शिव, तेणु उभयोर अंतरंग नास्ति भेदकर्ता विनश्यति। शिवंकर हृदय रे हरि वास करुछन्, हरिंक हृदय रे हर वास करुछन्, ए उभयंक भितरे कौनसी प्रकार भेदभाव नाही। जो माने हरि एवं हरंक भितरे भेद ज्ञान करंती वास्तविक से माने विनाश को प्राप्त होंती। भेदकर्ता विनश्यति, तेणु हरिहर को अभिन्न भाव में उपासना करिबा उचित। जो हरि ही स हर साक्षात, तेणु हरि एवं हरंक भितरे कौनसी प्रकार भेद को रखिबा उचित नुह। ये कथा खाली पाटी में कह जाए नी, महाकार्तिक मास रे अमावास्या परवर्ती एवं शुक्ल दशमी मध्य रे जो सोमवार पड़े से सोमवार रे श्री बलभद्रंकर हरिहर बेश अनुष्ठित हुए। यही बेश होची हरिहरात्मक बेश। यही बेश रे श्री बलभद्र भगवान केवल 33 प्रकार अलंकार रे विभूषित होइथांती एवं श्री बलभद्र भगवान कर जो को दि भाग रे विभक्त करा जाए, अर्थात गोटे भाग धवल वस्त्र रे विभूषित करा जाए, आ गोटे भाग को कृष्ण वस्त्र विभूषित करा जाए। तेणु श्री श्री बलभद्र भगवान कर गोटे अंश कला वस्त्र रे विभूषित हुए, गोटे अंश धला वस्त्र रे विभूषित हुए। धला कलार समन्वय विग्रह होचंती श्री बलभद्र भगवान। 33 प्रकार सुवर्णमय अलंकार विभूषित होइथांती एवं यही समय रे से प्रतीयमान होंती सते कि हरि एवं हर एकाठी विराजमान करछंती कि। यही भली दृश्य रत्न सिंहासन उपरे प्रतीयमान होइथाय। यही समय रे केवल बलभद्र भगवान हरिहर बेशरे विभूषित होतिबा समय रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु से राधा दामोदर बेशरे एवं देवी सुभद्रा मध्य से राधा दामोदर बेशरे विभूषित होइथांती।
तेणु यही बेश को दर्शन करने बहु भक्त यही सोमवार दिन श्री श्रीमंदिर को आसी दर्शन करी एवं यही दिन अर्थात सोमवार दिन सकाळु सकाळु महाप्रभुंकर मंगल आरती बढ़िबा परे जेतेबेले अवकाश नीति बढ़े सेतेबेले यही हरिहर वेश अनुष्ठित होइथाय। वास्तविक यही वेशटी अत्यंत मनलोभा एवं यही वेश को दर्शन कले जो हरि एवं घरंक भितरे जो भेदभाव थाए वास्तविक से भेदभाव आउ हृदय रहे नाही।